ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट या वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया आप सभी को, तो उसको डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप सभी को जाना है ड्रॉ टूल में, एंड यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। ठीक है, एड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से हम अपने मॉडल को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड मैंने पहले से रिलीज कर रखा है, जिसको रिलीज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है। मैंने अभी रिसेंटली एक नई वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। दो तीन वीडियो की मैंने लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इम्पेटेड लेयर बनाएंगे एंड इस लेयर को ले जाएंगे अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करना है एंड स्मूथ ब्रश को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसका साइज को फुल करके ओपेसिटी को अराउंड कुछ 14 तक रख के कुछ इस टाइप से आप सबको शेडो क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे फटाफट। ठीक है, तो हम साइज को फुल कर लेंगे एंड कुछ टाइप से हम शेडो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो गाइस हम जो शेडो जो है हमारी गाइस वो हम एक मतलब एक बार में नहीं बनाते, मतलब एक लेयर में नहीं बनाते शेडो, हम बनाते दो से तीन बार में, दो से तीन लेयर में। ठीक है, तो गाइस आप सबको उसी टाइप से शेडो बनानी है। ठीक है, क्योंकि यार एक लेयर में क्या होता है ना कि मतलब या तो एकदम एक कहीं डार्क हो जाता है और कहीं ज़्यादा ही मतलब कि लो हो जाती है ना, तो इस वजह से तो कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद एक और इम्पेटेड लेयर बना लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली जो लेयर है सेकंड वाली, जिसको हम रखेंगे अपने मॉडल के ऊपर ही। ठीक है, तो हम फोटो को जूम कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइस कुछ इस टाइप से आप सभी को पेंट करना है। ठीक है, फटाफट कर लेना है एंड अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पे तो देखिएगा शेडो तो हमारी एकदम परफेक्टली बन चुकी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट इसका कम कर लेते हैं एंड यहाँ से सेव कर लेते हैं एंड यहाँ से चलते बैक। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे लगाना है पीएनजी। तो कौन सा पीएनजी लगाना है, मिनियंस का। ठीक है, तो वाला पीएनजी है, तो ये वाला भी आप डाउनलोड कर लेना, फुल एचडी में, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे अपने शोल्डर के पास इस जगह पे लगा देना है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स लगा देना। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेनी है ताकि रेज करने में आसानी हो। एंड यहाँ से रिजल्ट टूल पे क्लिक करके एंड यहाँ से हार्डनेस फुल करके एंड कुछ स्टेप्स आप सभी को फटाफट रेज कर लेना है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ से रेज कर लेना है। एंड उसके बाद जो है गाइस आप सभी को फिर क्या करना, मैं आप सभी को बताता हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा पीएनजी भी लग चुका था, हम इसके हार्डनेस फुल करके यहाँ पे आप सिमिलर डन कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को एक पीएनजी को ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐड फोटो में चलेंगे, डे वाला पीएनजी ले लेंगे। ठीक है, इस पीएनजी को आप सभी को कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से रख लेना है एंड इसका जो है थोड़ा सा हम इसको पॉइंट को जो है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेंगे कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से ऐड कर देंगे। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को ऊपर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद फिर एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। इजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, साइज को थोड़ा छोटा कर देना है एंड अपनी फोटो को जूम करना है एंड फेस के ऊपर डोजन बंद करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड डोजन बंद करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को पहले तो उसको यहाँ पे इतना रख देने के बाद इसका जो अमाउंट है कुछ अराउंड 4-6 तक कुछ रख देना है एंड उसको यहाँ पर डन कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपनी फोटो कर लेना सेव। एंड जो असली जो फोटो का जो मतलब कि फोटो हमारे फोटो का जो असली रिजल्ट होगा वो हमारे लाइट रूम में कलर करेक्शन के बाद ही पता चलेगा, तो वो वाला तो यार वो को तो करना जरूरी है ना। तो गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड बस इतना ही एंड चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब क्या करना है, आप यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, पहले इसका कलर बैलेंस करना है, लाइट बैलेंस करना है। एंड उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो आप सभी को थोड़ा कम कर देना है, शेडो को भी कम कर देना है, शेडो को थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड ब्लैक को कम करना है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक को कुछ इतना। एंड उसके बाद जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है एंड मिक्स टूल में जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके सैचुरेशन को माइनस और जो डार्क ब्लू है इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, बाकी कलर की हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं। तो ऊपर स्काई ब्लू को भी छेड़ देना थोड़ा एंड ग्रीन कलर है जिसका सूज का कलर इसको भी छेड़ते हैं एंड जो मिनियंस है इसको तो यार येलो ही रहने देना। ठीक है, इसके बाद आपको डन कर देना है। एंड इसके बाद आप सभी इस वाले टूल में जाना है, फोटो की क्वालिटी को आपको बढ़ा देना है, फोटो में विगनेट डाल देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, फोटो का जो ग्रीन अमाउंट है इसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में एंड इसका फोटो जो सार्वेंद्र इसको बढ़ा देना है, जो नोट डायरेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नोट डायरेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिएगा जो भी हमारी फोटो का फाइनल रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। सो गाइस आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना एंड यार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड गाइस मेरे कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक जरूर सजेस्ट करना कि यार मेरे को नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।